हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो गाइस, हम लोग आज के वीडियो में ठीक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 94 क्वेश्चन तक कर दिया था, तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग 95 क्वेश्चन से करेंगे। और अब गाइस ज़्यादा क्वेश्चन बचे हुए नहीं हैं, 95 क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। वो टोटल 121 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं गाइस, 26 क्वेश्चन बस और बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जल्दी से हम लोग ख़त्म करके एवरेज की तरफ फिर हम लोग एवरेज को पकड़ेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, इस चैनल में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, ठीक है, फ्री में, आपको कहीं कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस मैं ये इतना गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि ये बुक काफ़ी इनफ है, ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही बेहतर बुक है, आप इस बुक से देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी बुक से कॉमन मिल जाएंगे। इवन सीजीएल के प्री के क्वेश्चन और सीएचएल के, ठीक है, मतलब एरिथमेटिक के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और CPO में भी आपको लगभग लगभग सेम मिल जाएंगे। ठीक है, फिर CDS हो गया, और बाकी जो रेलवे में तो इसी बुक से सारे क्वेश्चन कॉमन आते हैं। ठीक है, तो गाइस जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जो लोग वीडियो जैसे ही देख के चले जाते हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो गाइस 95 क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ ए मैंस एज टू हिज सन एज इज 4:1। ठीक है, बोल रहा है कि एक आदमी का जो एज है उसका जो रेशियो है उसके बेटे के जो एज का जो एज के रेशियो से कितना है, 4:1। मतलब एक आदमी का जो एज है और उसके बेटे का जो एज है उसका रेशियो दे दिया है 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, इज 96। उन दोनों का एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अगर उन दोनों के एज को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा सम, जो प्रोडक्ट आएगा वो 196 आएगा। तो बोला कि द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या होगा वो पूछा है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, लेट मैं मान लेता हूँ कि जो मेंस का और सन का एज है, ठीक है, मैन यहाँ पे मैन लिखते हैं, यहाँ पे सन, इनका जो प्रेजेंट रेशियो जो है वो कितना दिया है गाइस, वो दिया है 4:1। ठीक है, लेट मैं मान लेता हूँ कि इनका जो एज है मैन और सन का वो मैं क्या मान लेता हूँ, 4x, और सन का मैं x मानता हूँ। ठीक है, अब क्या आएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट दिया, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 4x इंटू x, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया कितना दिया, 196 दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 196। ठीक है, यहाँ से काट दो, ये कितनी बार में जाएगा, 4 16 36 9 49 बार में जाएगा, तो x² मेरा 49 आया, तो x का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 7। ठीक है, अभी मैन और सन का जो रेशियो था प्रेजेंट रेशियो 4x और x था, बस ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 4 इंटू 7 और ये 7, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 28 और ये 7। ये प्रेजेंट एज निकला मैन और सन का। अब बोल रहा है कि 5 साल बाद, आफ्टर फाइव ईयर्स, ठीक है, तो क्या करेंगे, बस 5 साल ऐड कर दो दोनों में, 5 7 प्लस 5, ठीक है, तो 28 प्लस 5 कितना होता है, 33, और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12। ठीक है, तो गैस ये 3 से ये 11 बार में, ये 4 बार में, तो कि क्या रेशियो होगा 5 साल बाद मैन और सन का, 11:1। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं, तो गैस ऑप्शन में 11:4 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ मैन एज वाज 5 टाइम्स ही सन एज 5 ईयर्स अगो। बोल रहा है कि एक आदमी का जो एज था वो 5 गुना था अपने बेटे के एज से, कब, 5 साल पहले की बात है, मतलब 5 साल पहले एक आदमी का जो एज था अपने बेटे से वो 5 टाइम्स था। ठीक है, बोल रहा है विल बी 3 टाइम्स एंड विल बी 3 टाइम्स ही सन्स एज आफ्टर 2 ईयर्स, और 2 साल बाद, ठीक है, जो मैन का एज था उसके सन के एज से कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो बोला है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज, तो अभी का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, मैन और सन का, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा। तो गाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो बैंकिंग हो कोई भी हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर देखें, चलो देखते हैं इसे किस तरह करते हैं। तो गाइज कैसे करेंगे,
सपोज ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 साल पहले जो यहाँ पे मेंस लिखते हैं, यहाँ पे सन लिखते हैं, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में 5 साल जो पहले जो मेंस का एज है वो सन के एज से 5 गुना ज़्यादा है। सपोज ठीक है, अगर सन 1 है मेरा, तो अगर सन 1 है तो मेन कितना होगा, मेन कितना होगा, 5 होगा। इसको नीचे लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। अगर सन मेरा 1 है तो मेंस मेन कितना होगा, मेन का एज कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 5 टाइम्स है, ठीक है। फ्यूचर में 2 साल बाद, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो मेन था वो सन के 3 टाइम्स हो गया। तो अगर सन मेरा 1 है तो मेन कितना होगा, 3 होगा। अब गाइज हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमको ठीक है जो गैप है उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो गैप को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इस 4 को, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो डिफरेंस 2 आया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, ये 12 आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 2। तो इन दोनों का देखो डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर का कितना होगा, डिफरेंस 2 2 आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है। अब गाइस देखो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज से, ठीक है, फ्यूचर कितने साल ज़्यादा है, 2 साल ज़्यादा है, ठीक है, और प्रेजेंट से पास्ट कितने साल पीछे है, 5 साल पीछे है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 साल आया, ठीक है। अगर 2 का रेशियो, ठीक है, 7 के बराबर है तो 1 का रेशियो 7/2 होगा, ठीक है। अभी जैसे हमसे किसका, मेन का, ठीक है, मेन का लेते हैं तो मेन का कितना होगा, पास्ट कितना है? कुछ भी ले सकते हो, फ्यूचर भी ले सकते हो, पास्ट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर पास्ट ले रहे हो तो आपको जितना साल, आप तो 5 साल ऐड करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर ले रहे हो तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 2 2 ईयर्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7/2 × 10 तो ये बचा 5, तो ये हो गया 35, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 का निकाल लो, ठीक है, 7/2 × 2 2 2 कट गया 7, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये पास्ट का आया, ठीक है, ये मेरा पास्ट का रेशियो है 35:7। अभी प्रेजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 साल हमें इन दोनों में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 + 5 तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसे काट दो, 4 से ये हो जाएगा 10 और ये होगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 10:3 दिया है कि नहीं, तो गाइज ऑप्शन में 10:3 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले द रेशियो बिटवीन ए एंड बी सैलरी वाज 3:4। बोल रहा है कि 1 साल पहले ए और बी की जो सैलरी का जो रेशियो है था वो 3:4 था, ठीक है। बोला द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वाज, मतलब इन दोनों का इंडिविजुअल सैलरी लास्ट ईयर और इस साल, मतलब 1 साल पहले और अभी का जो प्रेजेंट है उसका जो सैलरी का जो रेशियो और ए और बी का वो इंडिविजुअल दिया हुआ है 4:5। ये ए का दिया हुआ है ये लास्ट ईयर ही, ये प्रेजेंट ईयर है। बी का दिया हुआ 2:3, 2 लास्ट ईयर है और 3 प्रेजेंट ईयर है, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का सैलरी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। नाउ द टोटल ऑफ देयर सैलरी इज 41,600। बोला दोनों का टोटल सैलरी जो है 41,600 है, तो बोला ए का प्रेजेंट सैलरी कितना होगा, ठीक है। तो गाइस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझाऊंगा, समझना, ठीक है। चलो देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। लास्ट ईयर का जो रेशियो था 3:4 था, अभी का जो रेशियो है, ठीक है, ए का लास्ट और प्रेजेंट का वो 4/5 है और बी का 2/3 है। गाइस अभी हम इन सब रेशियो को क्या आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हमको एक साथ दोनों का रेशियो, दोनों लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का निकालना है। तो क्या करेंगे गाइस, ये 3:4 है, ठीक है, ए बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 3/4, ठीक है, और 3/4, ठीक है, ये गाइस प्रेजेंट एज को हम ऊपर पहले लिखेंगे और लास्ट ईयर को नीचे लिखेंगे, ठीक है। सेम बी के साथ भी करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड गाइस। तो गाइस यहाँ पे बी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बी एज यूजुअल जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है।
सपोज मान लो अगर सी रहता, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सी को हम लोग चेंज करते हैं नेक्स्ट, बट यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे क्या अल्टरनेट करके हम लोग चेंज करेंगे प्रेजेंट और लास्ट, प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर को, ठीक है। तो ए दिया हुआ, ए को कर लिया, तो बी दिया है, बी को हम लोग नहीं करेंगे, जैसे था वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज इसको छोटा कर लो, यहाँ से जितना छोटा सके उतना कर लो, इसको 3 3 कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये कितना है 5/8, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ए बाई बी, ठीक है, ये हुआ 5/8, ठीक है। तो गाइज यहाँ से ए बी का रेशियो क्या आएगा, इस 5:8, ठीक है गाइज। अब क्या करना है, हमसे क्या पूछा था, ए का प्रेजेंट रेशियो, टोटल रेशियो क्या दिया हुआ है गाइज, टोटल रेशियो दिया है 41,600, इसको डिवाइड बाई इंटू 5/, ये कितना हो जाएगा 8 + 5 = 13, ठीक है। इसे काट लो, 3 13 3 39 और 2 6 26, 3200, 32 × 5 करो, ठीक है। तो ये आपका कितना आता है, 16,000 आता है, ठीक है। तो हमारा ए का क्या हुआ 16, इसी तरह आपसे बी का पूछता तो बी का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 60,000। तो ऑप्शन में देखते हैं 60,000 दिया है कि नहीं दिया है गाइस, होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन में 16,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर, सपोर्ट करो इस चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि आपको बाद में दोबारा कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत न पड़े, ये आपको इनफ है गाइज, मेरा चैनल आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपको A to Z मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है, बस सपोर्ट करो और अपना प्यार बनाए रखो। क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स ₹216 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, जिसमें 216 रुपीज़ दिया हुआ है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स रखे हुए हैं, किस रेशियो में, 2:3:4 रेशियो में। तो बोला द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं गाइस, फिर से समझा देता हूँ, एक बैग है जिसमें 216 रुपीज़ रखे हैं, ठीक है, उसमें 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे के कॉइन रखे हैं, 50 पैसे कॉइन है और 25 पैसे कॉइन है और 1 रुपये के कॉइन है, किस रेशियो में रखें, 2:3:4 के रेशियो में रखें। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के कॉइन टोटल कितने हैं उस बैग में, ठीक है, समझ में आ गया गाइस, आपको कराता हूँ गाइस, बहुत ही इजी मेथड से कराता हूँ, ठीक है, सिंपल मेथड है, चलो देखते हैं किस तरह करते हैं। और ये इस टाइप का क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस कैसे करेंगे, तो ये 1 रुपीज़ है, 50 पैसा है, 25 पैसा, तो 1 रुपीज़ को मैंने 100 पैसा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, 100 पैसा में कन्वर्ट कर दिया है। अब रेशियो कितना दिया है, एक सेकेंड गाइस, अब आपको रेशियो कितना दिया है गाइस, रेशियो आपको कितना दिया, 2 3 और ये 4, ठीक है, रेशियो दिया है। अब क्या करेंगे गाइस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है गाइस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 × 2 कितना होता है, 200 होता है, कितना होता है, 200 होता है, ठीक है, और ये कितना होता है, 150 होता है, और ये कितना होता है, 100 होता है। तो इन सबको टोटल ऐड करो, 300 400 450, ठीक है, पैसे। अगर 450 पैसे का वैल्यू कितना दिया है गाइस, 216 रुपीज़ दिया हुआ है गाइस, ये रुपीज़ में, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 पैसे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 216, इसको पैसे में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 450। हमसे क्या पूछा गाइस, 50 पैसा पूछा, तो 50 पैसे का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो 260 × 100 डिवाइड बाय 450, 50 पैसे कितना था, 150 था, ठीक है, एक सेकेंड, 150 नहीं होगा, इसका रेशियो कितना है, ठीक है, इसका रेशियो कितना है गाइस, 3 दिया हुआ है, तो 3, ठीक है। अब यहाँ से काटा पिटी करोगे, ठीक है, तो काटो यहाँ से, ये जाएगा 0 0 जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, इसे काट दो, 7 2, ठीक है, तो 72 × 2 कितना होता है गाइस, 144 होता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे 50 पैसा पूछा है,
कुछ भी पूछ सकता था, 25 पैसा पूछ सकता था, 1 रुपी पूछ सकता था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 × 4 या × 2 कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा गाइस, इस टाइप के जैसे जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी मेथड से करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं 144 आंसर। तो गाइस ऑप्शन में 144 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स ₹20, 10 एंड 5 नोट्स इन द रेशियो 1:2:4। बोला एक बैग में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट रखें, किस रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे कॉइन नहीं है गाइस, यहाँ पे नोट्स है। किस रेशियो में रखें, 1:2:4 रेशियो में रखे हुए हैं। इफ़ देयर टोटल वैल्यू, अगर टोटल वैल्यू ₹3,000 है, तो बोल रहा है कि 5 रुपये के नोट टोटल कितने रखे हुए हैं। ठीक है, तो गाइस इजी है, इसी मेथड से करेंगे सेम। ठीक है, करके दिखा देता हूँ किस तरह करेंगे। और अगर बाई चांस एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज करके, मतलब डाटा चेंज करके आया, तो इसी मेथड से करना होगा। ठीक है, तो करके दिखाते हैं किस तरह करेंगे। तो गाइस हमको रेशियो दे दिया है। ठीक है, क्या है, ₹20, ₹10 और ₹5 दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया, 1:2:4 दिया है। अब क्या करना है गाइस, कुछ मत करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, इन सब का टोटल वैल्यू कितना है, 60। ठीक है, अगर 60 बराबर कितना दिया है, ₹3,000। ठीक है, 3,000 दिया, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस, डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इतना गाइस 50 3,000 / 60। ठीक है, 50 आ जाएगा। अभी हमसे क्या पूछा है, 5 रुपीज़ का, हमें 5 रुपीज़ के बारे में पूछा है। 5 रुपये के नोट कितने होंगे, तो 5 के नोट कितने होंगे, 3,000 / 60। और इसका रेशियो कितना दिया, 4 दिया हुआ, × 4 कर देंगे। ये कितनी बार में जाएगा गाइस, 50 बार में जाएगा। 50 × 4 कितना होता है गाइस, 200 होता है। तो टोटल नोट्स कितने होंगे, 5 रुपये के 200 नोट्स होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको 10 रुपये के नोट पूछता या 20 रुपये के नोट पूछता, तो × 2 या फिर × 1 यहाँ पे करते। ठीक है, गाइस इजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में 200 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 200 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। एक ट्राइंगल है, उसका जो एंगल का रेशियो दिया है 3:4:5 दिया, तो बोल रहा है कि लार्जेस्ट एंगल क्या है। तो गाइस इजी है, खुद से कर लेना। ठीक है, बस इतना बता दूंगा कि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो अब खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 101 क्या बोल रहा है, इन एन एलॉय, एक एलॉय है, ठीक है, उसका जो रेशियो है दिया हुआ है कॉपर और जिंक का, एलॉय में जो रेशियो जो दिया है कॉपर और जिंक का, वो दिया है 5:2। इफ़ 1.250 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड इन 17 kg 500 ग्राम ऑफ एलॉय। बोल रहा है कि 1.250 kg जिंक को मिक्स किया गया है 17 kg 500 ग्राम एलॉय में। ठीक है, तो बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ कॉपर और जिंक इन द एलॉय विल बी, बोल रहा है कि जो रेशियो होगा कॉपर और जिंक का एलॉय में, वो अब कितना परसेंट, अब कितना रेशियो, वो रेशियो क्या होगा। ठीक है, पहले रेशियो था ये ऐड करने के बाद टोटल टोटल अलाउ इतना है, इतना जिंक ऐड करने के बाद अब नया जो रेशियो बनेगा वो कॉपर और जिंक का क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, करके दिखाता हूँ। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, जो अलाउ है, ठीक है, टोटल जो अलाउ था, ठीक है, कितना अलाउ था, कितना दिया था अलाउ गाइस, टोटल अलाउ दिया था 17 kg, ठीक है, 500 ग्राम। ठीक है, तो इसको टोटल ग्राम में चेंज कर लो, 17500 ग्राम। ठीक है, अब इसमें इसमें से क्या करना है, हमें कॉपर और जिंक को क्या करना है, अलग निकाल लेना है। कैसे निकालने का, जो रेशियो दिया हुआ था पहले, ठीक है, उस रेशियो से हम लोग निकालेंगे। 5:2 का रेशियो दिया हुआ था, तो 17500, ठीक है, तो पहले कॉपर का दिया हुआ था, तो कॉपर का 5:5 है रेशियो, तो 5/7। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये गाइस कितनी बार में जाएगा, 17 7 2 14 35 5 25 × 5 125। ठीक है, तो 125 00। ठीक है, इसी तरह जिंक का निकाल लेंगे, 1 1 7 5 00 × 2/7। ठीक है, तो 25 × 2 50। ठीक है, तो ये हो गया 5,000। तो ये गाइस ये था मेरा कॉपर का और ये था मेरा
जिंक का, ठीक है, इतना केजी मेरा कॉपर है इसमें और इतना केजी मेरा जिंक है इसमें। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना कितना ऐड करने बोला है जिंक, क्वेश्चन में बोला है 1.250 kg ऐड करना है, तो चलो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कॉपर मेरा कितना है गाइस, ऊपर कॉपर लिखेंगे 2500 बाई नीचे लिखेंगे 5000, ठीक है, प्लस अभी क्या बोल रहा है गाइस, बोल रहा है कि 1.250 kg, इसको ग्राम में कर दो 1250 ग्राम, ठीक है। अब इसको ऐड करो 1250 बाई, ये हो जाएगा कितना 6250, ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा गाइस, ये जाएगा 25 से काटो, ये 25 फाइव फिफ्टी जा, ठीक है, तो ये कि ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 2 बार में, तो 2/1, तो हमारा रेशियो कितना आएगा गाइस, 2:1, ठीक है। तो हमारा जो ये इतना ऐड करने के बाद जिंक, ठीक है, अब जो रेशियो बनेगा वो 2:1 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 2:1 दिया है कि नहीं, तो गाइस ऑप्शन में 2:1 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 men 7 women and 5 children कंप्लीट अ जॉब फॉर ₹4400, बोला है 6 men 7 women और 5 children सब मिल के, ठीक है, एक जॉब को कंप्लीट करते हैं जिसका कॉस्ट है, मतलब ₹4400 का जो जॉब है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दे इंडिविजुअल वेजेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, जो उनका इंडिविजुअल वेजेस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 4:3:2 का होगा, ठीक है, मतलब एक आदमी का, एक वुमेन का और एक चिल्ड्रेन का जो वेजेस का जो रेशियो है वो 4:3:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रेन ने टोटल अमाउंट मनी कितना अर्न किया होगा, ठीक है, इन 5 चिल्ड्रन ने कितना अर्न किया होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 चिल्ड्रन की जगह पे 1 चिल्ड्रन पूछ सकता था, या 7 वुमेन पूछ सकता था, या 1 वुमेन पूछ सकता था, या 6 वुमेन, या 6 मैन पूछ सकता था, या फिर 1 मैन पूछ सकता था, तो सबका करने का प्रोसेस एक ही है। मैं जैसे चिल्ड्रन करा रहा हूँ तो चिल्ड्रन के बारे में बताऊँगा, उसी तरह पे बाकी 7 वुमेन और मैन का भी उसी तरह ही करेंगे, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ कैसा करेंगे इसको। तो गाइस रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो हम लोगों को कितना दिया है गाइस, पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो लिख लेंगे, ठीक है। तो रेशियो रेशियो कितना दिया है गाइस, 4:3:2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया है मैन का रेशियो, ठीक है, अगर 6 ये इस इंडिविजुअल है, अगर एक मैन का रेशियो 4 है तो 6 मैन का रेशियो कितना होगा, 4:6, अगर एक वुमेन का रेशियो 3 है तो 7 वुमेन का रेशियो क्या होगा, 3:7, अगर एक चिल्ड्रन का रेशियो 2 है तो 5 चिल्ड्रन का रेशियो कितना होगा, 2:5, ठीक है, यहाँ से निकाल दो, ये 24, ये 21 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमसे 5 चिल्ड्रन का पूछा था, ठीक है, 5 चिल्ड्रन का यहाँ से निकाल दो, ठीक है, तो टोटल मनी कितना आया था गाइस, 4400 into, ठीक है, तो ये टोटल कितना है गाइस, ये टोटल ये कितना आएगा गाइस, 25 + 10 = 35 + 20 = 55, ठीक है। तो चिल्ड्रन कितना था, 10/55, ठीक है, 11 से चला जाएगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 2 बार में, तो टोटल कितना आया, 800, ठीक है। अगर गाइस आपसे सिंगल पूछता, ठीक है, अगर एक चिल्ड्रन का पूछता तो यहाँ पे आपका 10 नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 ही रहता, ठीक है। अगर इसी तरह आपसे मैन का पूछता तो मैन का 24 हो जाता, वो मैन का 21 होता, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 800 दिया है कि नहीं। अच्छा गाइस एक और चीज़, अगर आपसे एक चिल्ड्रन का पूछता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 चिल्ड्रन का निकाल लेते, डिवाइड बाय 5 करते, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैन और वुमेन का पूछे तो मैन और वुमेन को निकालते, तो अगर 6 वुमेन है, अगर 3 अगर 7 वुमेन है तो डिवाइड बाय 7 करते, अगर 6 मैन है तो डिवाइड बाय 6 करते, ठीक है। तो इस तरह करना है, अगर आपसे एक चिल्ड्रन पूछेगा तो पहले 5 चिल्ड्रन का निकाल लो, डिवाइड बाय 5 कर लो, ठीक है। अगर आपसे वुमेन का पूछा तो पहले सारे वुमेन का निकाल लो, तो जितने वुमेन है उसे डिवाइड कर लो। अगर मैन का पूछा तो पहले सारे मैन का निकाल लो, डिवाइड बाय जितने मैन है उतना कर दो, तो आपका आंसर आराम से निकल आएगा, ठीक है। तो ईजी था, चलो ऑप्शन में देखते हैं 800 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 800 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वाई वेराइज
directly has x plus 3 and y equal to 8 when x equal to 1, what is the value of y when x equal to 2? Guys, very easy question. क्या पूछा है? अगर y, ठीक है, y varies directly as, अगर y, ठीक है, directly x plus 3 के बराबर है, तो y equal to 8 है और तब x का value होगा 1. तो पूछा है कि y का value क्या होगा जब x का value 2 होगा. ठीक है, समझ में आया गाइस? चलो इसको कैसे करना है इजी तरीके से करके दिखाता हूँ. तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट सपोज जो वाई है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके करते हैं, एक्स प्लस थ्री के करते हैं. ठीक है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर ये इसके इक्वल होगा तो इस इक्वल, इस इन्वर्स प्रोपोर्शन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, एक्स प्लस थ्री, ठीक है, यहाँ पे के बिठा देता हूँ. अब मुझे क्या करना है गाइस, इस के का वैल्यू फाइंड आउट करना. अगर इस के का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हमारा आंसर आराम से निकल आएगा. तो कैसे करेंगे, वाई का वैल्यू दिया हुआ है गाइस, वाई का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है, तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4 होता है. तो ये कितना जाएगा, 8 इक्वल टू 4 के, तो के का वैल्यू मेरा आ गया 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया के का वैल्यू 2. ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर y मेरा, ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, y हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, कब करना है, जब x का वैल्यू 2 होगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम ये वाला लाइन लिखेंगे, सेकेंड वाला, ठीक है, x प्लस 3 के, ठीक है, तो y मेरा इक्वल टू x का वैल्यू कितना है गाइस, x का वैल्यू इधर पे बोल दिया है 2 प्लस 3, ठीक है, और k का वैल्यू मेरा कितना है, 2 निकला, यहाँ पे 2 लिख दो, तो y का वैल्यू मेरा इधर से कितना का, 5 इंटू 2 कितना है गाइस, 10 है. तो ऑप्शन में देखते हैं 10 दिया है कि नहीं. ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे. ठीक है, चलो, तो गाइस ऑप्शन में 10 दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर वेराइज डायरेक्टली हैज वाई क्यूब, जो एक्स है वो वेराइज डायरेक्टली वाई क्यूब के बराबर है, एंड व्हेन एक्स इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 3, तो एक्स कब, जब एक्स आपका 6 दिया है और वाई आपका 3 दिया हुआ है. ठीक है, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ट्रू, रिलेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशन है वो ट्रू होगा. तो ये रिलेशन निकालने के लिए हमने जो पहले वाला पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था वो करना पड़ेगा, तब जाके हम ये रिलेशन निकाल पाएंगे. ठीक है, तो आपको करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे. तो गाइस क्या करेंगे, लेट सपोज जो एक्स स्क्वायर है मेरा, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई क्यू के. ठीक है, अभी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो वाई क्यू जो होगा वो के बराबर आएगा. ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, 6 दिया, एक्स मेरा 6 दिया हुआ तो ये 6 का स्क्वायर होगा, और वाई मेरा 3 दिया हुआ तो ये 3 का क्यूब होगा. ठीक है, ये के हुआ. अब ये क्या है, एक्स 36 होगा, 636 होगा, 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 27. ठीक है, इसको काटोगे तो के का वैल्यू आएगा मेरा 4/3. ठीक है, इसे आप काटोगे, 3 से काटोगे तो ये आएगा 4 का वैल्यू, के का वैल्यू 4/3. अब सेम, ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वाई क्यू बाई इंटू के है, इंटू के लिखेंगे, के का वैल्यू मेरा कितना आया गाइस, 4/3 आया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा वाई क्यू, और के का वैल्यू कितना दिया है, 4/3. ठीक है, अभी 3 उधर चल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 4y क्यूब. ठीक है, अब हमें देखना है ये रिलेशन ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 3x स्क्वायर इक्वल टू 4y क्यूब. ठीक है, अगर दिया है तो मतलब ये रिलेशन हमारा सही है. तो गाइस हमारा 3x स्क्वायर इक्वल टू 4y क्यूब दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज़ गिवन डेट वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x³ - x. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस पहले ऑलरेडी इधर बोल, पहले से ही बोल दिया जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x³ - x के. ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जाता था, वेयर एज डायरेक्टली बोलते थे. ठीक है, तो हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते, बट यहाँ पे पहले ही बोल दिया है. ठीक है, बोल रहा है फॉर एक्स इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू 2 दिया है, वी हैव वाई इक्वल टू 1/6 और वाई का वैल्यू 1/6 दिया. बोल रहा है इफ एक्स इक्वल टू 2, अगर एक्स का वैल्यू 2 होगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा. तो सिंपल है गाइस, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है. ठीक है, उसी तरह करेंगे. चलो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे.
तो गाइस इसको कैसे करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो पहले लिख लो वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, के के डालते थे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स ठीक है इंटू के। ठीक है, अभी वाई का वैल्यू क्या दिया है गाइस, वाई का वैल्यू 1/6 दिया है। ठीक है, और एक्स का वैल्यू कितना दिया है गाइस, एक्स का वैल्यू 2 दिया, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1/6। ठीक है, इक्वल टू ये कितना था 8 माइनस 2 6 इंटू के। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आता है। ठीक है, तो 1/6 ये हो जाएगा 1/6 इंटू के। ठीक है, तो देखो ये 6 6 कट जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो k का वैल्यू मेरा क्या आया 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सेम पहले पहले तो ये जो चीज़ें यहाँ पे पहले लिख लो, ठीक है एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, ठीक, अभी बोल रहा है कि जो एक्स 2 है तो वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 1 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, के का वैल्यू कितना आया गाइस, के का वैल्यू मेरा 1 आया, तो इंटू 1। ठीक है, तो वाई इक्वल टू ठीक है 8 में से 2 गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो वाई का वैल्यू मेरा कितना आया 1/6 आंसर। ठीक है, तो गाइस इसको आप बिना पेन कॉपी पेन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 दिया है और वाई का वैल्यू पूछा है। ऑलरेडी जब एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 1/3 है, 1/6 है, तो वाई का वैल्यू 1/6 ही आएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, अगर डाटा चेंज, अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और देता तब वाई का वैल्यू कुछ और आता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलो देखते हैं 1/6 दिया है कि नहीं ऑप्शन में। तो गाइज ऑप्शन में 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 106 से स्टार्ट करेंगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन रह नहीं गया गाइज, बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन निपटा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा काउंटिंग ऑफ फिगर रीजनिंग का पहला चैप्टर डालूंगा। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा चैप्टर काउंटिंग ऑफ मतलब फिगर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके भी 2-3 वीडियोस आएंगे, खाली पार्ट आएंगे। और ठीक है, लेकिन जो चैप्टर्स रीजनिंग में बड़े हैं उसके थोड़े ज़्यादा ज़्यादा पार्ट्स आएंगे। ठीक है, बट आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मेरे रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, तो बस सपोर्ट बनाए गाइस। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको कंटेंट दूंगा फ्री में, आपको कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के 100% बोलता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लोगों को शेयर करें। बाय बाय।